रामदेव जी महाराज ने मित्र लोग हल्दी लगा रहा है। हमारी हली धीरो रंग सुरंगी आदि पीजे मारो हल धीरो रंग सुरंगी निपजे हल्दी मोनावे बनारा बाबोता बनारा बाबोता हल्दी रंग चढ़ियो ए मोनावे रामदेव धीरा धीरे हल्दी रंग रे रंगी सुरंगी आनी पीजे मारी हली दीरो रंगी सुरंगी आनी पीजे मारे एक लेना अशोक जी भी गाएंगे बारात चढ़ी आ अरे घोड़ी करे जी हाथाई दाता जान चढ़ो रामदेव जी दाता ये घोड़ी करे रे जीरा आका जी दाता जान चढ़ो रामदेव जी दाता अरे घोड़ी करे जी आबाई धाबा जान चढ़ो अरे घोड़ी करे आ तो आबाजी दाबा जान चढ़ो रामदेव जी रा बाबा तेल चढ़ी नेतल जोवे बाटा तेल चढ़ी नेतल जोवे जी बाटा जान चढ़ो रामदेव जी रा बाबा अरे तेल चढ़ी रे नाजू जोवे बाटा तेल चढ़ियो नेतल जोवे बाटो जान चढ़ो रामदेव जी जोड़ा तालियां बजाए घोड़ी करे जी हाथाई दाता जान चढ़ो रामदेव जी बना समारो केसरियो हजारी जारी फूली रो फूली बना उबाओ मैं जोड़े से खड़ा कर दूंगा ध्यान रखना ए बना समारो के सदियो हजारी फूली रो रे फूली हजारी रे फूली रो रे फूली चंपारी हंजारी रे गुली रो फूले ये सब पेड़ी रे टिकी पाव ए बिरा मारा मातलियो मतिरे ने उजरे पादी तालियों से अभिवादन करें सभी लोग मतिरे ने उजरे पादी ये साथी नारी अरे भाई भाई मादरियो ये मंत्रावे ने ये भुजरे बांधी मंत्रावे ये भुजरे बांधी भवर जी ने निजरा लागे ए पीरा मारा अड़के धड़के चौबटी मती जाई सावटी ए मती जाई चौरासा दिन जीरा ला
ए पीरा मारा जड़ी के धड़ी के अरे बागों में मती जा दे बागों में मती जा दे इंदिरा मालड़ी नजीरा ला सबरिया में मती जाई सासू जीरी निजीरा अरे छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला बोली रामदेव जीरी दान हलावे लिया छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला रामदेव जी महाराज री दो महीना थी मैं आपने पहले निवेदन कियो कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी री दो बेटियां थी एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगणा थी लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो लाछाबाई और सुगणाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पढ़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगणाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पढ़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगणाबाई ने 12 साल तक सुगणाबाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगणाबाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीर ने याद करता थका आंखों में आंसू उड़ा ढलकावे बोली बीरा मारा राम दे के तो आजा बीरा राम देव नहीं तो लिख भेज संदेह जी नेड़ो में आंसू पड़े जो सावन अठीने सुगणाबाई उदास उठीने मां उदास तो मां जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि मां चिंता मत कर मैं अभी प्रबंध करूं सुगणा ने लाने रो बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए रत्नो हाजिर हो गए बोले बाबा हुक्म कराओ बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी एक सांड थी दुबली सांड बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो रत्न राय को वह मरियल सी सांड ले जब पुंगलगढ़ ने मार के रवाना हुआ बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज री कृपा सो पुंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही रत्न ने मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला अब रत्नो राय को तो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो पुराने जमाने में कई सिस्टम था रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदर था पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो रत्ना ने ये सारी बातों कोई पतो नहीं रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो सामने सुगणाबाई का पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई बोले आ कौन है थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने रावणा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो कौन है थारो नाम काई है रत्नो बोले कि ओ तो मु रत्नो कठू आयो बोले कि रामदेव रासो मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो बोले कि चुप खबरदार है और बोलिया
अरे उन रे कामड़िए रत्ना नाम मती लीजे रोला केतड़ी रे माई जियो घेरोला केतड़ी रे माई जियो खम्मा 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 ओ तवारी आजी मामला रुणी चेरा राजा है